Today we'll discuss about the methods of primary data collection. And we have already discussed about two methods, that is direct personal investigation. Number two, indirect oral investigation through local correspondence, mail questionnaire method, schedule sent through enumerators. तो प्रथम कथा हला में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति जो पद्धति रे इन्वेस्टिगेटर बा अनुसंधानकारी प्रत्यक्ष भाव रे तथ्य प्रदानकारी निकट को जाई तथ्य संग्रह करे तो द इन्वेस्टिगेटर collects the information through interview with the person through personal observation se jo observation tar rahila ta sath discussion kari pratyaksha bhavare jo tathya se sangrah kare taku kaha jae pratyaksha vyaktigat anusandhan padhati ame pratham tam janche je primary data is more reliable and it is 100% pure, शुद्ध था इतने. So some merits we can go through. So data is more reliable as they are obtained directly from the respondent. जेतो हमें प्रत्यक्ष भाव रे अनुसंधानकारी तथ्य प्रदानकारी ठारू तथ्य संग्रह करे ये तथ्य अत्यंत शुद्ध. इतने कौन सी मिलावट न था? So कौन सी निजे पर्सनल माने जोटा कि आम कौचे इंटरव्यू मेथड तो रेस्पोंडेंट इंटरव्यू करी ठीक तथ्य संग्रह करे एवं दैट डाटा इज मोर प्योर सेकंड थिंग इज इट इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन चेंज द क्वेश्चनेयर अकॉर्डिंग टू नीड तो तार जो माने अनुसंधानकारी तार आवश्यक अनुसार तथ्य रो संग्रह कर तार डेफिनेशन बदल पाए चाहिए भी अधिक तथ्य भी संग्रह कर पाए इट इज मोर फ्लेक्सिबल चाहिए भी एक्स्ट्रा तथ्य मध्य संग्रह कर पाए जोटा कि ऑब्जेक्टिव बाहर तथ्य संग्रह कर पाए तो आम थर्ड पॉइंट देखा इंडस्ट्री मेथड डाटा आर मोर एक्यूरेट एंड इट इज मोर ऑथेंटिकेटेड तो यह हूँ एक्यूरेट डाटा पाइबा इंडस्ट्री मेथड सेंसिटिव क्वेश्चंस मे बी अवॉइडेड कारण कथा हमें सेंसिटिव मेथड जोड़क मान सेंसिटिव जो क्वेश्चन जो अनुसंधानकारी सेंसिटिव क्वेश्चन को अवॉइड करा उचित फेलिंग व्हिच द रेस्पोंडेंट विल फर्निश विल प्रोवाइड मैनिपुलेटेड इनफर्मेशन जो इनफर्मेशन रॉन्ग इनफर्मेशन सो द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द रेस्पोंडेंट इन सच ए मैनर इन व्हिच the respondent will furnish without any hesitation kon si prakara dandha bitare na rahi se tathya dei thae to ar madhya demerit kichhi achi it is more expensive method it is time consuming adhika samaya sapekkha ebam vyaya sapekkha it is not suitable when the field of enquiry is vast and wide jete bele am enquiry ra field sudura prasari ताले ए तथ्य बेले बेले अनुपयुक्त हुए तो अंडर दिस मेथड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस और बायस बेले बेले व्यक्तिगत अहेतुक गोटे संभावना थाए जिते बेले पर्सनल प्रेजुडिस अच्छी अफेक्टेड तो देयर इज चांस ऑफ गिविंग पर्सनल बायस सपोज रेस्पोंडेंट विल बी रिलक्टेंट टू प्रोवाइड द इनफॉर्मेशन and will furnish haphazard information so there is a possibility so investigators should be properly trained and skilled unless it may lead to many faults of data collection so jodi ame kahiba jodi investigator properly trained nahi jodi investigator jodi daksha nuhe ba talim prapta nuhe ताले डाटा
ठीक भाव संग्रह पारना एवं यह मानने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान सुविधा आ दोष त्रुटि देखा मिले दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो नंबर टू इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन दैट इज इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वी कॉल इट। आम परोक्ष भाव में मौखिक जो मान सर्वेक्षण जो कौन अनुसंधान तो ये मेथड रे कौन कह इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर सुटेबल क्वेश्चंस एंड कलेक्ट्स द डाटा इनडायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग पर्सन्स हु आर नोन टू बी क्लोज टू द ओरिजिनल पर्सन। हियर द ओरिजिनल पर्सन द ओरिजिनल रेस्पोंडेंट इज एब्सेंट। तो इथे होची ओरिजिनल पर्सन नाही तार रिलेटिव्स तार फ्रेंड्स तार नेबर्स माने कौन तथ्य दिए जोटा कि आम जो अनुसंधानकारी तार रिलेटिव पाख जा तार तथ्य रेकर्ड करे एवं संग्रह करे। तो ये ओरल इन्वेस्टिगेशन ओराली पचार कौन कौन जहाँ रेकर्ड कर गोटे गोटे शेड्यूल क्वेश्चन रेकर्ड कर किए इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर जो आमर अच्छी रेस्पोंडेंट ये तथ्य प्रदानकारी माने संपर्कीय माने पचारि बुझी तथ्य संग्रह देवा पद्धति को आम कहे परोक्ष मौखिक अनुसंधान। तो ये केते गुड़ी सुविधा अच्छी आोष त्रुटि अच्छी सुविधा है कौन इट कैन कवर वाइड एरिया व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज फार एंड वाइड दिस मेथड इज सुटेबल। ये मेथड रे सुविधा हूँ कौन एटा बहुत माने कौन एरिया कवर कर पारे कम समय मध्य कारण आम कहे जोटा कि एरिया अफ फिल्ड एनक्वारी जो कहे से आमर कौन ना जिते सुदूर प्रसारी हम आम तथ्य संग्रह कर पारिबा। तो इन दिस मेथड तो ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड रे आम कौन करवा तो डाटा सेव्स टाइम लेबर एंड मनी टाइम मनी एंड एनर्जी इटि समय मैं सेव है आउ कौन आमर श्रम सेव है आउ मनी सेव है तीन टा जिन आम ये सेव कर पारे। सो थर्ड पॉइंट इज जो मेरीट्स आम कहे इट गिव्स स्पीडी रिजल्ट्स आमको बहुत स्पीडी रिजल्ट मिले आम कम समय मध्य आम अधिक तथ्य संग्रह कर स्पीडी रिजल्ट पाई। नेक्स्ट मेरीट्स हूँ थर्ड पार्टी डज नॉट कंसील द फैक्ट्स आम देखा ये मानने परोक्ष मौखिक जो अनुसंधान कथा कहचे एथेरे कारण फैक्ट्स को कंसील करा जाई पारे ना जो घटना को आम लुचे पारा ना कहीं जेहेतु अन्य जने दौची तार रिलेटिव दौची से भूल तथ्य दबा ना कारण जो लोक दबा कथा निजे तथ्य प्रदानकारी आबसेंट तार रिलेटिव्स हो तार फ्रेंड्स हो तार नेबर्स हो क्लोज टू हिम और हर से मध्य फर्निश कर तेणुकरी कौन सी फैक्ट कंसील होना बा लुचेबार प्रश्न ना। कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू दिस मेथड अवॉइड्स प्रेजुडिस एंड बायसनेस प्रभावित जोड़ा आम कहे मानने गोटे तथ्य अन्य द्वारा प्रभावित होवार चांस भी ना कारण यटा को आम चान्स दैट इज लेस चान्स अफ प्रेजुडिस। अंडर दिस मेथड वी फाउंड सर्टन डिमेरिट्स दैट इन दिस मेथड एट ए लैक्स एक्यूरेसी कारण एक्यूरेट डाटा पाइबानी कहीं हूँ तो तार रिलेटिव तार जो मानने जो अच्छी तार क्लोज टू द ओरिजिनल पर्सन मे नॉट प्रोवाइड करेक्ट इनफर्मेशन ठीक तथ्य न दे पारे दैट इज पॉसिबिलिटी। द सेकेंड डिमेरिट इज डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड डज नॉट मेंटेन यूनिफर्मिटी एतर यूनिफर्मिटी रहे नहीं कारण जदि आम तार जो लोक पचारे तार रिलेशन लोक पचारे आउ जो लोक पचारे तेल डिफरेन्स आस यूनिफर्मिट रही डाटा यूनिफर्मिट रही हे तो ये कौन सी
ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन भी थी पारे माने हुए तो बढ़े कह पारे कि कम करी कही पारे दैट इज ए चांस। तो नेक्स्ट कम टू पर्सनल प्रिजुडिस एंड बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर मे अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। द पर्सनल बायसनेस द पर्सन हुई जी फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड करेक्ट इनफर्मेशन तो एक्यूरेसी ऑफ डाटा लैक्स कारण एक्यूरेट डाटा मिलवन कारण ओरिजिनल पर्सन इज आबसेंट। एंड लास्ट पॉइंट इनएक्यूरेट डाटा एंड पर्सनल प्रेजुडिस मे लीड टू हार्मफुल कनक्लूजन्स। जब आम इनएक्यूरेट डाटा पाइबा अंडर दिस मेथड तो आम पर्पज फुलफिल हो पारे आमर कनक्लूजन भी ठीक हेनी आम जो इनफरेन्स ड्र करवा दैट विल बी रॉन्ग। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल करेस्पोंडेंस। तो लोकल करेस्पोंडेंट जी अच्छा माने प्रतिनिधि तथ्य स्थानीय प्रतिनिधि मानक द्वारा तथ्य संग्रह स्थानीय प्रतिनिधि बेले बेले को आम अपॉइंटमेंट करिक मते ताटु संग्रह करि परबा। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट विजिट टू द फील्ड बट अपॉइंट्स लोकल एजेंट्स और करेस्पोंडेंट्स टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सेंड इट टू द इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर बेले बेले अनुसंधानकारी जो तथ्य आने को जाऊँगी से जगह तार एजेंट रखे प्रतिनिधि रखिपार लोकल रिप्रेजेंटेटिव रखिपार स्थानीय प्रतिनिधि रखिपार से कम है माने समय अनुसार से मैंने तथ्य जो अनुसंधानकारी को सेंड करेंगे। नॉर्मली दिस मेथड इज यूज्ड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स न्यूज पेपर एजेंसीज व्हेयर रेगुलर इनफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फार डिस्टेंस प्लेसेस। तो विभिन्न दूर दूरांतर आम तथ्य संग्रह करें न्यूज पेपर एजेंसी हो कि मोर सरकारी दफ्तर होने एजेंट अच्छा लोकल एजेंट अच्छा से मैंने इनफर्मेसन प्रदान करेंगे तथ्य प्रदान करेंगे। तो एथर मध्य आम मेरिट्स देखा मेरिट्स अच्छी सुविधा असुविधा भी अच्छी सुविधा है कौन दिस मेथड इज चीप एंड इकोनॉमिकल इट सेव्स टाइम मनी एंड एनर्जी ये मेथडटा मानने मान कौन व्ययबहुल नुह कहीं आमको समय मान सेव है आउ अर्थ भी सेव है एवं एनर्जी सेव है तेल टाइम मनी एंड एनर्जी विल बी सेव कहीं आम जेहेतु एजेंट रखीचे से मानक आमको जावासबार खर्च मान रयबह जो बहन करार चान्स भी ना तेणुक आम से मैंने बै पोस्ट हो बाने निजे आसिक पठे पार तथ्य संग्रह कलापर आजिकल तो होमर इंटरनेट सुविधा होगला तेणुक आजिकल आमर विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया सहजे पठे पारे। दिस मेथड इज सुटेबल फर सम स्पेशल एंड इम्पोर्टेन्ट पर्पज अफ सर्वे ये मेथड केवल स्पेशल पर्पज पाई जमी आम कहे न्यूज पेपर एजेन्सी हौ आमर अन्यान्य जो सरकारी क्षेत्र में मध्य मेथड व्यवहार करा जाए। तो डिमेरिट्स रही डाटा आर नॉट रिलायबल बिकॉज इट इज नॉट एन ओरिजिनल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यही आम ये तथ्य अत्यंत शुद्ध नुहे कहीं आम ओरिजिनल मेथड नुहे आम प्रतिनिधि मध्यम तथ्य संग्रह कले हूँ तो प्रतिनिधि सठी तथ्य न आनी पारे मान फिल्ड न जाए तथ्य दे पारे मैनिपुलेटेड फिगर दे पारे तो दैट इज ए चांस से भाग अच्छी। तो सेकेंड डिमेरिट हूँ कौन असुविधा कौन अच्छी कलेक्शन ऑफ डाटा अंडर दिस मेथड इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कारण से जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव समय दे कि ना ठीक समय दे कि ना वाच करवा तथ्य आने समय सापेक्ष दैट इज अल्सो अनदर डिमेरिट दैट इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्सनल प्रेजुडिस बिकॉज अब्सेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर जेहतु इन्वेस्टिगेटर सीट ना बा इन्वेस्टिगेटर अब्सेंट अच्छी तेनाली चाहिए भी मानने डाटा
will be biased by the representative. So here original jo investigator is absent, ye who is appointed to collect the information. So next method is that is a mailed questionnaire method to collect primary data. So under this method, the investigator prepares a list of questions and send it to the respondent through post. So it is a method rahuchi kono je anusandhankari kete gote question tiyari karibo, gote prashnavali tiyari karibo ebong gote schedule tiyari kari by post re se pathebo kouti na tathya pradankari nikotaku au se tathya pradankari taku fill up kari again it will be sent back to the original investigator. So the respondent send it the filled up questionnaire back to the investigator. So this method is very suitable for a wide range of area, sudra prasariya kaina ithi ame gote question ba prashnavali gote tiyari kari gote sahaja prashnavali tiyari kari ame patheba jodi तथ्य प्रदान कर निकट को बाय पोस्ट रे एवं सेतरे लिखाई थिबो माने आउडे लिफाफा थिबो जतरे ताकर इन्वेस्टर एड्रेस थिबो से माने फिल अप कला परे माने पूर्ण होइथिबा प्रश्नावली को अगेन से पठेबे अनुसंधानकारी निकट को एवं से अनुसंधानकारी से तथ्य को ताकर माने एनालिसिस करिवे. सो एतर मध्ये मेरिट्स अछि त कोन मेरिट्स एतर अछि सुविधा कोन एतर अछि. This method ensures a greater precision or accuracy. The precision achi sudha achi sudhata jetu je je respondent himself furnishes the data and write down it in the question answer. So this method is suitable where the investigation is very large, jetale kon si mane डाटा रो जो कलेक्शन रो जो एरिया माने इज भास्ट और एंड वाइड बा जदि सुंदर प्रसार हुए तबे ए मेथड पूरा अत्यंत सहज आमे प्रश्न माध्यम रे बा डाको जोगे आमे तथ्य संग्रह करि परिबा. दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल बिकॉज ओनली कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चनेयर कारण एटा होची ए मेथड रे हमको खर्च कम कम माने व्यय ना व्यय बल नुहे कहीं ये आमको प्रश्न तैयारी आउ पोस्टल खर्च जी से किंतु आमको टू एंड फ्रो टीए डीए जाए से मानते टीए डीए आवश्यकता ना आठ खर्च एक्सट्रा खर्च ना जिते कौन से इनभेस्टिगेट जाऊपी टीए डीए अन्न्य सब सुविधा जो रही सुविधा को दि जाए ना तेनाली खर्च भी कम जाए. तो दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लेस एरर इन दिस मेथड. ए मेथड रे एरर कम कारण जेतु माने द रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ फिल अप द डाटा माने दैट इज लेस एरर. तो डिमेरिट्स मध्ये रहिछि दोष त्रुटि रहिछि दिस मेथड. ए जो आमे देखुचे जो आमर डाको जोगे जो तथ्य संग्रह होछि सेते मध्ये केते गुडी दोष दुर्बलता रहिछि कौन ना रेस्पोंडेंट इज अनसर्टन एज रेस्पोंडेंट मे नॉट सो ओन इंटरेस्ट टू फर्निश द इनफॉरमेशन. जदि रेस्पोंडेंट तार इंटरेस्ट दौना ताले डिले हो तथ्य अनसर्टन जदि रेस्पोंडेंट कह कहीं फिलअप देवी तथ्य देवी कारण मोर दवा दरकार ना मुझे कहीं फिलअप करी पुणी कहीं पोस्ट करी ये सब मोर कौन लट अफ इलेक्ट्रीसीन दे मुझे ना तेणु से क्षेत्र में मानने आमर रेस्पन्स वेरी लेस कारण ये मेथड रेस्पन्स इज वेरी लेस कारण कम लोक टी सचेतन से तथ्य दिखते प्राय अधिकांश लोक रिलेक्टेंट टू सेंड द इनफॉरमेशन बाय पोस्ट यहाँ मैं डिमेरिट. तो अनदर डिमेरिट इज दैट इज ए ग्रेटर चांस ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस ड्यू टू आब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर जेहेतु ये इन्वेस्टिगेटर आब्सेंट अच्छी कारण निजे फिल अप करती तेणुक मन इच्छा चाहिए भी डाटा बास्ट हो डाटा भी देपे तो ये डिफेक्ट रही. एंड लास्टली द क्वेश्चनेयर इज
cumbersome, literary question, very lengthy, then respondent may not furnish information. Jadi jo questionnaire tiyari hichi, prashnavali tiyari hichi, jadi amara tathya pradankari buddhi na parla, if it is not understandable, so it is difficult to furnish the information. So the information is not provided in time due to cumbersome questionnaire. Jadi questionnaire ta thik nathibo, prashnavali jadi trutipurna thibo, thik samare se tathya pahunchi paribani. Our last point hochi kono ame dekhiba demerit mane if the respondent is illiterate asikhita patha padi nahi so this method fails to work out ei method karyakari hei paribani tenu kari katha hala ye hochi primate data collection ra fourth method chaturtha padhati and last padhati hela kono questionnaires and schedules with the help of enumerator. So enumerator nijja question schedule neki jibo kapaku ko tathya pradan karne ke to ebon tathya sangrah karibo jodi ame kou je amara census method is one of the example. Census method re anusandhankari nijje prashnavali saha nijje in respondent paku jauchi ebon tathya sangrah karu. So in this method, a list of questions or schedules are being prepared by the enumerator for the purpose of inquiry. The answers and replies are recorded and noted down, then processed for analysis. This method is very useful for government research institute and research scholars. So research scholar, jo mane korchanti seman prashnavali tiyari korchanti, man tathya pradankari nikata ku jai tathya sangrah. एवं जो प्रश्नवल तैयारी करछंती ता सहज हेबा आवश्यक फेलिंग हुइज इट विल लीड टू मिसलीडिंग रिजल्ट तो ए मेथड केतो मेरिट्स अछि मध्य डिमेरिट्स अछि सुविधा अछि दोष दुर्गुण रहिछि तो फर्स्ट कथाला मेरिट सुविधा ला कोन डाटा कलेक्टेड अंडर दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट एज ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द इनफॉरमेशन कारण कथा हूँ ए मेथडटा टी माने तथ्य जी वेरी प्योर कहीं पर्टिकुलरली आम जानचे जे प्राथमिक तथ्य प्रत्यक्ष तथ्य अत्यंत शुद्ध आम डायरेक्ट कंटाक्ट क्या सहित माने तथ्य प्रदानकारी सहित तेनालीटा हूँ अधिक शुद्ध अच्छी सेकेंड मेरीट रोच सुविधा रही डेवलप्स पर्सनल रिलेशनशिप between the enumerator and informant or respondent mane tanko sa jibasya dara gote personal relation built up hoi tanko sa gote samparka srushti hoi jodo ki se samparka emti hai respondent khushi re tathya diye ebong thik tathya diye so personal relationship will be built up by this method next merit subidha hoch kono इट कवर्स वाइड एरिया व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट दिस मेथड इज सुटेबल यदि आमर अनुसंधान परिसर व्यापक हुए तेबे ए पद्धति मध्य सहज नेक्स्ट मेरिट डाटा कलेक्टेड इन दिस मेथड आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल इन नेचर माने ए मेथड रे हमें कॉम्प्रिहेंसिव इन डिटेल स्टडी हमें ए मेथड रे डिटेल स्टडी कर पारिबा प्रत्येक जिनस को आम कलेक्ट कर पारिबा जेमती आम सेंसस मेथड रे आम बहुत जिनस तथ्य संग्रह करचे जेमती आम कहचे कृषि भित्तिक डाटा शिल्प भित्तिक माने आमर सेक्स रेशियो लिटरेस रेट अनेक तथ्य तादरे रहउछ सेंसस तो ए सब रे मध्य आम अनेक तथ्य संग्रह कर पारिबा सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इज पॉसिबल अंडर दिस मेथड There are also some demerits in this method. This method is highly expensive as investigators are paid to collect the information.
कारण जेहेतु इन्वेस्टिगेटर पर्सनल जाओ विजिट करुची फ्रॉम डोर टू डोर टू कलेक्ट द इनफॉरमेशन द इन्वेस्टिगेटर्स विल पेड ताकु अनुसंधानकारी को मध्य पारिश्रमिक दिया जाए तेणुक ए पद्धति तथ्य संग्रह अधिक व्ययबहुल एक्सपेंसिव. नेक्स्ट पॉइंट डिमेरिट इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड एज द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम डोर टू डोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड. तो जेहेतु वाइड कवरेज एरिया डोर टू डोर कलेक्शन होची यह समय सापेक्ष टाइम कंज्यूमिंग मेथड. नेक्स्ट डिमेरिट इट नीड्स ट्रेन्ड एंड स्किल्ड एनुमरेटर्स व्हिच आर नॉट इजीली अवेलेबल कारण एपरी तथ्य संग्रह आमको दक्ष एवं तालीम प्राप्त अनुसंधानकारी आवश्यकता होता है कारण दक्ष एवं तालीम प्राप्त अनुसंधानकारी को तैयारी करिया ते सहज नुहे इट विल टेक टाइम टू ट्रेन द इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेनिंग एजुकेशन समय दरकार ओवर नाइट इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट विल नॉट बी ट्रेन्ड गोटे राति भितर आम माने अधिक अनुसंधानकारी को आम ट्रेन करें इट विल टेक टाइम. सो इट इज वन ऑफ द डिमेरिट एंड लास्ट डिमेरिट इज दैट इज पर्सनल प्रेजुडिस ऑफ द करेस्पोंडेंट्स. तो जितेबले आम कहे पर्सनल प्रेजुडिस रोचे कारण दर इज चांस ऑफ बायसनेस इन दिस मेथड अनुसंधानकारी जितेबले जाउची तथ्य प्रदानकारी निकट को तथ्य प्रदानकारी मध्य बायस ठीक मध्य किसी तथ्य भूल तथ्य देउची दर इज चांस. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैंपलिंग मेथड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन. तो टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन by two ways we can collect the information by census method another is sampling method. So census method, what is census method? So census method is otherwise known as complete enumeration method. Complete enumeration jodi ki ame kahuche sarvajanina sarvekshana padhati समस्त ठारू तथ्य संग्रह करा पद्धति को सार्वजन सर्वेक्षण पद्धति कह जाए. फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन डाटा विल बी कलेक्टेड अंडर दिस मेथड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज सिलेक्टेड फॉर डाटा कलेक्शन. तो यूनिवर्स जोटा कि आम कहे जो समग्र भितर तथ्य संग्रह करवा समस्त नन इज अवॉइडेड क्या आम अवॉइड करवानी क्या आम माने ओमिट करवानी समस्त तथ्य. सपोज मुझे गोटे उदाहरण देवी गोटे क्लास रे अच्छा 50 पिला मु समस्त ठारू गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट मार्क जो कलेक्ट कर मानने कौन सेंसस मेथड है समस्त ईच एंड एवरी स्टूडेंट will be included to collect the data. Suppose ame kahiba gote class re jodi pila ame sample laba tatru 10 jan uthan laba tale eta sampling method hela jodi whole universe kahile amara gote field jo field kahile mane jo field am tathya sangrah karuche samastu ko tharu jo sangrah kale ame samagrika गणना पद्धति कहवा जदि आम समर्थन नक किसी सिलेक्टिव पर्सन ठार तथ्य संग्रह करवा नमूना पद्धति कह जाए नमूना सर्वेक्षण गोटे कौन आमर सामग्रिक गणना पद्धति आ नमूना गणना पद्धति. तो सामग्रिक मेथड रे मध्य केते मेरिट्स अच्छी. तो रिजल्ट ऑफ डाटा कलेक्शन लाइक टू बी मोर एक्यूरेट एतरे एक्यूरेसी अधिक कारण ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज कवर प्रत्येक तथ्य को आम संग्रह करें क्या ओमेट करना कारण द यूनिट्स आर नॉट होमोजेनियस दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा
इज द यूनिट्स जो आम कौजे जो एकक जदि होमोजेनियस नुहे समानता ना तेब ए मेथड मध्य हो पार कहीं आम प्रत्येक तथ्य को अलग अलग भाव में रेकर्ड करवा पुणी तक आसेम्बल कर अंडर दिस मेथड दैट इज एक्सपेन्सीव डिटेल स्टडी इन व्हिच इन्वेस्टिगेटर सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कारण एतरे अधिक व्ययबहुल कहीं जेको समस्या आसो अनुसंधानकारी से समस्या को समाधान कर तथ्य संग्रह कर समय ये लगे समय सापेक्ष व्ययबहुल सर्वेक्षण पद्धति में कि डिमेरिट्स अच्छी दोष दुर्बलता अच्छी कौन प्रथम कथा इट इज हाइली एक्सपेन्सीव एक्सपेन्सीव रोच माने व्ययबहुल इट नीड्स मोर टाइम टू कलेक्ट द इनफर्मेसन दिस मेथड मे नॉट मीट द अर्जेन्सी ऑफ द डाटा यदि आम चाहिए जिते शीघ्र तथ्य संग्रह करने सहज नुहे दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अ बिग और इनफिनाइट यूनिवर्स यदि माने यूनिवर्स बहुत बिग है तो दिस मेथड फेल्स तो सैंपलिंग मेथड विल बी यूज नाउ सैंपलिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन व्हिच सम रिपीटेटिव यूनिट्स आर सिलेक्टेड तादर आम के रिपीटेटिव माने आम तो सिलेक्ट करवा चूज करवा तो सिलेक्टेड यूनिट्स आर कॉल्ड सैंपल जो आम कौचे सपोज डॉक्टर नौच कौन सैंपल नौ टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द ब्लड टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द ब्लड तो इत देख एवरी मेंबर ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज आइटम तो आम देखा जे पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंटायर बॉडी और टर्म्स और आइटम्स इन व्हिच द इंफॉर्मेशन डिजायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर और एनुमरेटर एवरी मेंबर ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज आइटम टोटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज यूनिवर्स तो आम जदि संपूर्ण समुदाय पद्धति सामग्रिक पद्धति आम प्रत्येक आइटम को जदि आम संग्रह करवा तेल आम कह सामग्रिक गणना पद्धति जदि आम कह समस्त आइटम को संग्रह नक कि सिलेक्टिव क्वेश्चन को आम सिलेक्टिव पर्सन को आम नवा तेल ये हम सैंपल नमूना सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स गोटे पार्ट और पॉपुलेशन व्हिच कंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्स तो यूनिवर्स क्वालिटी उपरे डिपेंड कर तो सैंपलिंग मेथड इज वेरी इजी कारण एम के सुविधा अच्छी इट सेव्स टाइम मनी एंड गिव्स क्विक रिजल्ट एमको ठीक समय रिजल्ट मिल कम समय मध्य दिस मेथड इज अडाप्टेड डिपेंडिंग ऑन नेचर स्कोप एंड मोड ऑफ द इनक्वायरी आमर निज इच्छा अनुसार आम चाहिए भी चेंज कर पारिबा इट इज मोर फ्लेक्स इट इज फ्लेक्सीबल नाइदर फ्लेक्सीबल नॉर रिजिड आम डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ द डाटा इन व्हिच द इन्वेस्टिगेटर prepare sample this method ensures administrative convenience because less number of persons are engaged it is also administrative prashasanika subidha thae etra kam loko nijukti paanti kaina ame jetu sample collection korche amaro gote organization achi national sample survey organization jatiyo namuna sarvekshana padhati government of india ra agency tar kam hola sample dwara तथ्य संग्रह करिबा मेथड मध्य सैंपलिंग मेथड मध्य किछि डिमेरिट्स होइछि इट गिव्स मिसलीडिंग रिजल्ट इनकरेज रिजल्ट व्हेन डाटा आर नॉट सिलेक्टेड प्रॉपर्ली तो जेहेतु डाटा सिलेक्टेड आम प्रॉपर्ली करूना है कम तथ्य नबा आम गुड रिजल्ट आसिबनि व्हेन सैंपल साइज इज बिग और लार्ज इट टेक्स टाइम मनी एंड एनर्जी सो इट इज मोर एक्सपेन्सीव माने एटा जेहेतु आम सैंपल साइज जो सैंपल साइज कौन जदि आम नंबर ऑफ सैंपल्स इज कॉल्ड सैंपल साइज केते आम सैंपल नौचे दैट इज कॉल्ड सैंपल साइज नंबर ऑफ सैंपल्स आम जिते अधिक सैंपल साइज बढ़ेबा एरर इज लेस जदि आम सैंपल कम नबा एरर अधिक आसीबो तो एरर रिड्यूसेस एज सैंपल साइज इंक्रीजेस जदि आमर
सैंपल साइज टा बढ़ेबा ताले सैंपल साइज बढ़ेले आमर एरटा एरर विल ब्लेस दिस मेथड मे लीड टू पर्सनल बायस और प्रेजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर तो इन्वेस्टिगेटर मध्य पर्सनल प्रेजुडिस थाए सो मोर और लेस सैंपलिंग मेथड इज डिजायर्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग क्विक रिजल्ट कम समय मध्य रे आमे तथ्य संग्रह करि पारिबा एवं आमर पर्पस फुलफिल हो पारिबा तेणु नमूना सर्वेक्षण पद्धति रो आवश्यक रहिछि कम समय मध्य रे आमे अनेक तथ्य संग्रह करि पारिबा एवं ताहा आमर कौनसी निर्दिष्ट लक्ष्य साधन हो पारिबो जेंति इन्फरेंसेस आमे तारो कंक्लूजन्स ड्रॉ करि पारिबा सो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग मेथड टू कलेक्ट द डाटा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स वन इज रैंडम सैंपलिंग अनदर इज पर्पोसिव सैंपलिंग तो रैंडम सैंपलिंग अर्थ होच अहेतुक नमूना पद्धति लक्ष्य जो निर्दिष्ट लक्ष्य निमित्त नमूना तो सैंपलिंग जो कहे नमूना सर्वेक्षण पद्धति रैंडम सैंपलिंग अगेन इज डिवाइडेड इनटू सिंपल रैंडम सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मल्टीस्टेज रैंडम सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग सहज अहेतुक नमूना पद्धति आम देखा सिंपल रैंडम सैंपलिंग इट इज अदरवाइज नोन एज द मेथड ऑफ चांस कारण आम जो नमूना नौचे इट इज ए मेथड ऑफ चांस जोटा कि प्रोबेबिलिटी जोटा कि आम कौचे संभावना कथा कहचे आमर जो तथ्य संग्रह करचे तथ्यर के संभावना शुद्धटा के सो अंडर सिंपल रैंडम सैंपलिंग ईच एंड एव्री यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हाज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल तो गोटे यूनिवर्स रे प्रत्येक यूनिट इक्वल चांस अच्छी टू बी सिलेक्टेड कारण यूनिवर्स जो समग्र भितर आम तथ्य नौचे सपोज गोटे क्लास गोटे श्रेणी में पिला अच्छा तीस पिला अच्छा मुझोटी पिला क्वेश्चन पचारि तो तीस पिला चान्स अच्छी क्वेश्चन पचार हे तो पढ़ी नपे कारण एव्री स्टूडेंट हाज इक्वल चांस टू बी आस्क्ड क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन पचार चान्स अच्छे तेणुक अंडर दिस मेथड ईच एंड एव्री यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हाज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्स एट रैंडम आम रैंडमली माने रैंडम माने होची कोनो रैंडम कौनसी बायस्ड न होय कि रैंडमली आम माने ताको ड्रॉ करिबा तो रैंडम एबे तुमको उदाहरण दे बुझेबी तो देर आर टू वेज इन हुईच द सैंपल्स कैन बी कलेक्टेड अंडर दिस मेथड वन इज लॉटरी मेथड अनदर रैंडम टेबल नंबर सो लॉटरी मेथड तुम ये वेरी कॉमन मेथड लॉटरी स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द होल यूनिवर्स आम जी नवा यूनिवर्स सपोज पचास जन छात्र नवा तो आम से पचास जन छात्र गोटे चिरुकुट करवा स्लीप या ठीक सैज रखा ताकू गोटे ड्रम रिसफल करवा गोटे बक्स भितर तो रिसफल कलापर द रेकर्ड नंबर स्लीप्स आर ड्रन वन आफ्टर अनदर सपोज मत पांच जन क्वेश्चन पचार अच्छे पांचटा गोटे पिला डाक पांचटा मानने कौन स्लीप ड्र हे तो सैंपलिंग यूनिट्स कन्स्टिट्यूट सिलेक्टेड एट रैंडम जो रैंडमली पांचटी स्लीप बाहर आउट ऑफ 50 तो पांचटी स्लीप जो भाला से प्लान क्वेश्चन पचरा जीवो तो इट इज ए लॉटरी मेथड तो अनदर इज रैंडम टेबल नंबर तो रैंडम टेबल नंबर तो दिस टेबल इज डेवलप्ड बाय एल एच सी टिपेट वी कॉल इट टिपेट टेबल सो टिपेट हैज प्रिपेयर्ड दिस टेबल ही कंस्ट्रक्टेड फोर टेबल्स
out of 10,400 each. 10,400 माने number तैयार ही ची random number. So all terms are first put in the series. Then a page from the table is taken out. The serial number of sample are got from a page. प्रत्येक पेज रु आम रैंडमली नंबर ड्र करिबा. आउट ऑफ दू टू मेथड्स लॉटरी मेथड इज मोर सुटेबल एंड इट इज कॉमनली यूज इन प्रैक्टिस. ए मेथड बहुत माने रही सुविधा रही वेरी इजी मेथड. एवरी यूनिट गेट इक्वल चांस ऑफ फॉर सिलेक्शन. प्रत्येक चांस अच्छी प्रत्येक यूनिट सिलेक्शन चांस अच्छी. इट सेव्स टाइम मनी समय अपचय को रोकी थाए व्यय को मध्य रोकी थाए एंड दैट इज नो चांस ऑफ पर्सनल बायस. पर्सनल बायस न थाए कारण आम जेहेतु माने रैंडमली ड्र करचे बायसनेस न थाए. डिमेरिट्स इज ऑल्सो देयर. असुविधा रही द यूनिवर्स इज स्मॉल दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. स्मॉल माने जदि आम बहुत फ्यू सैंपल्स नबा तले दिस मेथड इज नॉट सुटेबल. So another demerit, some irrelevant items may creep into the sample. Kete bade irrelevant information ta rahi jaye man joda ki sample bhitare tike asubidha srishti kare. So different components may not get proportion representation. So different components jo sampling ra jo collection bhitare raichi that is not represented at all. So yela tamaro first method ऑफ सैंपलिंग मेथड टू कलेक्ट द इनफॉर्मेशन और डाटा. तो अनदर इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज अदरवाइज नोन एज मिक्स्ड मेथड ऑफ सैंपलिंग. मिक्स्ड मेथड इट इज अ मिक्सचर ऑफ पर्पोसिव एंड रैंडम सैंपलिंग. पर्पोसिव और रैंडम सैंपलिंग रहा गोटे मिक्सचर कहीं ये मेथड रे होल यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू सम कंपोनेंट्स. आमर होल यूनिवर्स को आम कत कंपोनेंट्स तैयारी करवा अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस. आम कन्वीनियंस अनुसार इन्वेस्टर कन्वीनियंस अनुसार देन सैंपल्स आर ड्रन रैंडमली. सिलेक्ट करवा गोटे ग्रुप करवा प्रत्येक ग्रुप रूम आम सैंपल ड्र करवा. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन इंडस्ट्री. गोटे इंडस्ट्री आम जदि एम्प्लॉइज कंडीशन अच्छी आम ग्रुप करवा कौ कैटेगोरी एम्प्लॉय अच्छा कौ इनकम रेंज अच्छा आम ग्रुप व्वज करवा कौ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से जो इंडस्ट्री केत प्रकार ऑर्गेनाइजेशन अच्छी प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन आम सैंपल ड्रॉ करवा. तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग सम मेरिट्स एंड ऑल्सो डिमेरिट्स. तो आज सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटेज कंपैरिजन आर इजी कारण आम कंपेयर करने तुलना करने तुलनात्मक चिंताधारा को सहज करे. कारण जेहेतु प्रत्येक स्ट्राटा प्रत्येक विभाग रु आम तथ्य संग्रह करेंटाई सहज. मोर यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेटिव इन दिस मेथड माने ये हूँ ए मेथड रे रिप्रेजेंटेटिव. मोर यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेटिव गोटे जिनस बहुत जिनस रिप्रेजेंट कर प्रतिनिधित्व कर ए मेथड रे अनेक तथ्य को आम माने जो संग्रह करे अन्य रिप्रेजेंट कर. दिस मेथड इज ए मिक्सचर ऑफ पर्पोसिव एंड रैंडम सैंपलिंग. इट बिकम्स वेरी सुटेबल इन ऑल एस्पेक्ट्स. तेणुक ये मेथड सहज एवं आमर एनालिसिस तथ्य जो विश्लेषण क्षेत्र में सहज होता है. देयर आर ऑल्सो डिमेरिट्स. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इन्वेस्टिगेटर इज फैमिलियर विद द यूनिवर्स इन एवरी सिचुएशन. जो आम नमूना पद्धति कहचे सहज हम किपर जदि इन्वेस्टिगेटर फैमिलियर हम यूनिवर्स सहित गोटे पर्टिकुलर यूनिवर्स जोड़ा माने रही सर्वेक्षण जो सीमा रही फैमिलियर हम देन डाटा विल बी माने जेन्युइन एंड डाटा विल बी प्योर एंड इट इज वेरी इजी फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द इनफॉरमेशन. नेक्स्ट कम टू
It is very difficult to divide universe, which is not easy task. जितना हमें कौन सी यूनिवर्स गोटे विभाग को आम भाग भाग करवा तेनालीरिक डिफिकल्ट टास्क आमको नेचर ऑफ द सैंपल नेचर ऑफ द इंक्वायरी अनुसार आमको सैंपल साइज को ठीक करा पड़ो एवं से अनुसार आम प्रत्येक विभाग को आम कौन उपविभाग करा पड़ो विभाग उपविभाग पुणी सब ग्रुप कर तथ्य संग्रह सर्टिफाइड into stratum. So the universe is not divided properly into components. The investigator may lead to biasness. यदि properly न कला, ताले बर्तानो जो अनुसंधानकारी biased होए कि तथ्य संग्रह करिबो, बार प्रभावित होए तथ्य संग्रह करिबो, जोड़ कि that would not fulfill the purpose of the investigator. So third one is systematic sampling. Systematic sampling is also known as quasi-random sampling. In this method, all the units of the universe are arranged chronologically, serially, alphabetically, or geographically. यदि हमें arrange करिबा, then systematically, then data will be collected. For example, I will give you an example. If the total number of units is 1,000. Want a sample of 50, then sample size will be 1000 divided by 50 is equal to 20 samples will be drawn out of 1000. So 20 samples, so one group is 77, then come to 27, 47, 67 and so on accordingly. The initial serial number is 7, then equal interval is 20. The equal interval is 20, then systematically. So data will be collected systematically. So under this method, there are some merits and also demerits. So merits is a very simple method, very easy to understand. Atyanta sahaj ebong sahaj jane bujhi pariba atyanta bodhagamya. Number 2 is there is less chance of biasness. Ether biasness nahi kahi ki na ami chronologically alphabetically we arrange this. The third merit, each unit is representative as units are taken from the whole universe. Ame pratyek unit ko ame representative nahi pariba karan jehetu whole universe ru ame tathya nauche pratyek ekak ko ame representative bhabare gahan kari pariba etre madhya demerits madhya achi madhya kichi asubidha roichi. This method is applicable only when the investigator is familiar with the universe in every situation. यदि इन्वेस्टिगेटर फैमिलियर रही यूनिवर्स सहित ताले सहजरे से तथ्य संग्रह कर पाए. द्वितीय असुविधा कौन द अनदर माने प्रॉब्लम और अनदर डिमेरिट द अनदर ड्रॉबैक इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड द यूनिवर्स व्हिच इज नॉट इजी टास्क माने आम जेहेतु गोटे यूनिवर्स को डिवाइड करवा सब डिवाइड करवा इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क यहाँ अत्यंत कष्टसाध्य कार्य. लास्टली इफ द यूनिवर्स इज नॉट डिवाइडेड प्रॉपरली इनटू कंपोनेंट्स देन इन्वेस्टिगेशन मे लीड टू बाय कारण जदि आम जदि ठीक भाव जदि आम तथ्य को ठीक कंपोनेंट रे डिवाइड न कले तेब माने दैट इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस और पर्सनल बायस. तो इन्वेस्टिगेटर विल बी अफेक्टेड by such wrong information. So multi-stage sampling, under this method sampling is taken on stage by stage. The entire universe is divided into clusters from which samples can be drawn from each cluster. Plus if you want to select district at random, then block and then village. System is multi-stage, stage-wise, bottom level, middle level, and upper level. Pratyek stage-wise, we can collect data. Each and every item has a chance of being selected. Pratyek tathya ame the chance of selection kari pariba. There are merits and demerits. It covers large area. Ane eha sudra prasari.
using some pulse again and again, it can reduce the number of units at will. जितना अधिक रु अधिक सांपल करवा आम यूनिट्स तार जो साइज कमी कमी जीवो सांपल साइज कम इट इज फ्लेक्सिबल मेथड आज कंपेयर टू अदर मेथड अन्न्य पद्धति अपेक्षा ए मेथड अत्यंत माने कौन जोटा आम कौच कंपेरेबल सहजे कंपेयर करना कर प्रत्येक तथ्य सहित अन्य तथ्य तुलना कर पारा तो अनदर डिमेरिट्स आर ऑल्सो देयर व्हेन ए लार्ज एरिया ऑफ इंक्वायरी इज टेकन देन इन्वेस्टर मे नॉट फाइंड इजी टू डू जदि आमर तथ्य संग्रह माने जो फील्ड लार्ज हुए इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सच मेथड नेक्स्ट डिमेरिट अन्य असुविधा कौन है वी कैन यूज सिंगल स्टेज रैंडम सैंपलिंग टेकिंग ऑल यूनिट्स एट ए लोएस्ट लेवल जदि आम गोटे स्टेज ना खर्च कम हम लास्टली देयर आर न्यूमरस एरर इन दिस मेथड एथेर अनेक रहिबो एरर जोटा सैंपलिंग एरर कारण पर्टिकुलरली आम कही पारिबा सैंपलिंग मेथड रे सैंपलिंग एरर आसिबो कारण जेहेतु सामग्रिक मेथड रे पद्धति रे एरर नथाय कारण जेहेतु ईच एंड एव्री यूनिट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन तर प्रत्येक तथ्य को आम सामग्री गणना पद्धति रे माने आमर अनुसंधान को अंतर्भुक्त करथाउ किंतु सैंपल रे अल्प केतक माने एकक को आम नहीं तथ्य संग्रह करू दैट इज कॉल्ड सैंपल तो एंड लास्ट मेथड इज कॉल्ड पर्पोसिव पर्पोसिव मेथड सिलेक्ट आइटम व्हिच रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सैंपलिंग को पर्पस पे आम सैंपलिंग सिलेक्ट करते सो इट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्ट सैंपलिंग हियर सिलेक्ट जजेस द आइटम ऑफ सैंपलिंग सो इट इज कॉल्ड जजमेंट सैंपलिंग पर्पोसिव सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड जजमेंट सैंपलिंग तार मध्य सेम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑल्सो देयर सो दिस इज इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड द सैंपलिंग मेथड्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज इन टुगेदर कोटा सैंपलिंग कोटा वाइज हम तथ्य संग्रह कर पारिबा देन इन्वेस्टिगेटिव एग्जाम्स द कोटा सिलेक्शन हाउ मच कोटा विल बी सिलेक्टेड अंडर सैंपल सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैंपलिंग मेथड आमर नेक्स्ट क्लास रे मध्य आउ किछि सैंपलिंग उपरे वेरी ब्रीफ नोट्स देबी कन्वीनियंस सैंपलिंग अनादर इज कोटा सैंपलिंग पर्पस सैंपलिंग तो मु भाबुछि ई जो आमर तथ्य संग्रह भितर सामग्रिक गणना पद्धति हो बा नमूना पद्धति हो आमे जोडिक तथ्य संग्रह रे यार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन डाटा कलेक्शन टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी आमर कौनसी लक्ष्य दिगरे आमर यह अत्यंत सहायक हम तेणु स्टैटिस्टिक्स जो आम कहे परिसंख्यान तथ्य भित्तिक परिसंख्यान तथ्य ए संग्रह करा जाए प्रत्यक्ष तथ्य परोक्ष तथ्य एवं ए तथ्य को आम सामग्रिक गणना पद्धति एवं नमूना पद्धति संग्रह यह तुम्हार जो सामग्रिक गणना पद्धति आउ नमूना पद्धतिर विभिन्न मार्ग दिग यह आमर तथ्य विश्लेषण क्षेत्र अत्यंत सहायक हुए थैंक यू टू ऑल आई कंक्लूड